है यार, कैसे वो बीच पानी में जो है ऐसे खड़े हुए हैं। पानी तो पानी हमारे बहुत पास है, अगर ये बोलेंगे कि इतना पास कैसे आ गया है, अगर मैं यहाँ पे एक बार हाथ देने की कोशिश करूंगा तो मैं पानी को छू लूंगा। आप समझ सकते हो कि पानी का हमसे दूरी कितना हुआ है। पानी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा हो चुका है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग पे। अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पर कोसी बैराज पे, और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कोसी बैराज का ये उफनता हुआ पानी, जिससे पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने दिखाया था उस साइड का, यानी जैसे हम लोग इंडिया से जो है नेपाल की तरफ आते हैं, उधर का जो है कोसी बैराज का जो है व्यू कि वहाँ पे कितना जो है पानी जो है छोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग इस नेपाल की साइड से आते हैं तो यहाँ पर जो है बहुत बुरा हाल है। आप सभी एक बार मैं दिखाता हूँ कि पानी का जो है लेवल कितना ऊपर उठा हुआ है यहाँ पर, आप सभी देख कर खुद जो है चौंक जाने वाले हैं। इधर देखिए एक बार दोस्तों, पानी का लेवल ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे वो आप सभी को पिलर्स के जो है बाउंड्री दिखाई देता है वहाँ पर उस साइड फाटक में, लेकिन इधर जो है इतना पानी उठा हुआ है ऊपर कि वो जो है हमें बाउंड्री भी दिख नहीं रहा है पूरा। बहुत भारी लेवल का जो है पानी छोड़ा जा रहा है। और अगर देखिए पानी का अगर हम बात करें तो पानी हमारे बहुत पास है, अगर ये बोलेंगे कि इतना पास कैसे आ गया है, अगर मैं यहाँ पे एक बार हाथ देने की कोशिश करूँगा तो मैं पानी को छू लूँगा। आप समझ सकते हो कि पानी का हमसे दूरी कितना हुआ है। पानी जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो चुका है। हर बार जो है ये कोसी नदी ऐसे ही बारिश के टाइम में जो है बिहार के लिए खतरा बन जाता है। अभी जैसे कि ये सुपौल सहरसा वाले एरिया है या फिर मधुबनी का एरिया हो गया, इन सब में जो है बारिश का जो है खतरा है, और ऊपर से जो है ये पानी उस तरह से उफान मार रहा है तो बाढ़ आने का भी खतरा है। बांध के साइड साइड के जो भी एरिए हैं वो सब जो है बहुत ग्रसित हो जाते हैं इन पानी से। देखिए एक बार किस लेवल से जो है पानी को निकाला जा रहा है यहाँ पर। एक लाइन से दोस्तों अभी जितने फाटक हम देख रहे हैं सभी फाटक जो है खुले हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो है नंबरिंग दिया गया है सब चीज़ का, लेकिन जितने भी फाटक अभी शुरुआत से लोग आए हैं इंडिया की साइड से, तो यहाँ पर जो है नेपाल की साइड में देख रहे हैं कि सारे फाटक जो है खुले हुए हैं। और एक तो दोस्तों ये पुल का भी जो है स्थिति उतना ठीक नहीं है, जैसे भी यहाँ से कोई बड़ा बड़ा गाड़ी क्रॉस करता है तो पुल में जो है एक बहुत वाइब्रेशन होने लगता है। ओ नो, ये देखिए बड़ो 3 लाख क्यूसेक पानी जो है कल छोड़ा गया है। कल जो है 6 तारीख था तो कल जो है इतना पानी छोड़ा गया था, और आज की बात करें तो 3,80,000 से अधिक। और अभी देखिए अभी का जो है ये हाल है कोसी का, इसीलिए जो है इसको जो है बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि हर समय जो है बारिश के टाइम में जो है ये बिहार के लिए एक आपदा पैदा कर देती है। देखिए यहाँ पर सब लोग जो है साइड साइड में जो है पानी से लकड़ी को जो है जमा करते हैं, वो लोग जो है लकड़ी को जो है वहाँ खड़े होकर जमा करते हैं, लेकिन अभी जो है वहाँ पानी लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि वहाँ पे कोई जो है खराब नहीं हो सकता है। उस साइड की बात करें तो उस साइड उतना नहीं है, उस साइड जो है सब लोग खड़े हुए हैं और लकड़ी को जो है जमा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का लेवल इतना बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर कोई जो है ठीक से खराब नहीं हो सकता है। पिछले वीडियो में आप सभी को दिखाया था मैंने उस साइड का वीडियो, लेकिन आज जो है बहुत आगे आया कि हम लोग जो है पूरा नेपाल की साइड आए हुए हैं इधर वाले फाटक को देखने के लिए। तो इधर का बात करें तो इधर जो है और ज्यादा जो है पानी का लेवल है। पानी का एक अलग ही साउंड है यहाँ भाई, देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब सोचिए ऐसे जो है ये कंटिन्यू पानी को छोड़ा जाएगा, तो अगर एक दो दिन भी ऐसे अगर पानी कंटिन्यू छोड़ा गया तो बिहार को जो है किस तरह से जो है बर्बाद कर देगा।
यहाँ पर आकर जो है जितना पानी का जो उम्मीद किए थे उससे पानी कहीं गुना ज़्यादा है। अभी जो हम लोग यहाँ पर जो है 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जो है हम लोग यहाँ आए हैं। और सुपौल में जो है अभी भी जो है सुबह में जब मैं निकला था घर से काफ़ी पानी हो रहा था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है पानी फिलहाल सा राहत है। लेकिन अभी जो है बिहार में जो है हमारे इस क्षेत्र में जो है पानी का अलर्ट है कि 12 या फिर 11 तक जो है पानी काफ़ी तेज़ी से हो सकता है और कंटिन्यू अभी सुबह शाम जो है पानी होता है, जिस वजह से जो इतने फाटक खोल दिए गए हैं, ऊपर से जो इतना बारिश, तो बिहार का स्थिति जो है हर बार खराब रहता है। अभी जैसे ये पानी आगे जाता है तो सुपौल के जो है जो भी बांध क्षेत्र वाले एरिया है उनका स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। बीच में जो है पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, हम लोग साइड साइड में देखे थे फ्लो थोड़ा कम है, लेकिन बीच में जो है फ्लो बहुत ज़्यादा है। भाई को सल्यूट है यार, कैसे वो बीच पानी में जो है ऐसे खड़े हुए हैं, पानी ऐसे उफान दे रहा है। हम लोग अगर वहाँ पे खड़े होंगे ना तो पूरा हमारा पैर फिसल जाएगा, लेकिन वो देखिए कैसे खड़े हैं, उनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। यहाँ अभी हम जैसे कि आगे आए हुए हैं तो आगे आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये जगह आप सबको जो है क्लियर दिख रहा होगा, ये पिलर का जो है ये जगह, लेकिन इधर देखिए पीछे वाले कोई भी पार्ट में आप सबको ये नहीं दिखेगा क्योंकि बीच में जो है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। और इधर जो आप सबको आगे वाले सभी दिख रहे होंगे, सब पर जो है लकड़ी रखा हुआ है, लेकिन जैसे हम बीच से आए हुए हैं बीच में जो है बहुत ज़्यादा है। ये बीच वाले जो है 15 ऐसे फाटक हैं जिनका लेवल जो है बहुत उठा हुआ है पानी से। इतना बड़ा लकड़ी है देखिए, इसको जो है बांध दिया गया जिससे कि वो आगे ना बहे, इसको जो है बाद में पकड़ लिया जाएगा, थोड़ा सा सूखने का इंतजार हो रहा है। और देखिए जो लोग ज़्यादा लकड़ी भर लेते हैं वो लोग जो है अपना लेके चले जाते हैं। बावन 53 54 56 और जो है 56 फाटक है। कुछ फाटक जो है बंद भी है, एक दो लग रहा है ऐसा। तो इधर देखिए जैसे कि ये वाला फाटक जो है यहाँ बंद है, यहाँ पर आप सभी को उतना उफान नहीं दिख रहा होगा। इधर जो है वो वाला फाटक बंद है, इधर जो आगे जो है नेपाल का एरिया शुरू होता है, इसीलिए हम जो इससे आगे नहीं जाएंगे। उधर भी जो है काफ़ी लोग जो है लकड़ी सब जमा कर रहे हैं। इधर जो टोटल 56 फाटक था वो लास्ट वाला जो है 56 फाटक है, लेकिन जो बात है बीच में बड़ा खतरनाक हाल है यार, बहुत पानी जो है बीच में छोड़ा जा रहा है। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज जो है 7 तारीख है, 7 जुलाई 2024, और आज का जो आप सभी को मैंने अपडेट दिया है, शायद ये वीडियो अपलोड होने में एक दिन जो है डिले हो जाए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं आप सभी को जो है इसका आगे वाला वीडियो दूँ, जैसे जैसे यहाँ पे जो है अभी बारिश का टाइम बना रहेगा तो शायद पानी का स्थिति जो है और ख़राब हो जाए, तो अगर आप सभी को जो है आगे का अपडेट्स देखना है, आगे का वीडियो देखना है कि आगे जो है कोसी वाला जो है किस हाल में होता है 4 या 5 दिन बाद, क्योंकि अभी जो है पानी का अलर्ट लगा हुआ है, तो कुछ कह नहीं सकते कि स्थिति जो है इससे ज़्यादा ख़राब हो जाए और शायद यहाँ पर जो है बारिश का स्थिति और बन जाए। तो अगर आप सभी कहते हैं कमेंट में कि एक और वीडियो आप सभी को चाहिए कोसी बराज का, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो जो है आप सभी के लिए जो है ज़रूर लाऊँ। लेकिन आज जो वीडियो बनाया भाई, आज तो देख मेरा दिल दहल गया कि इतना पानी यार लगातार छोड़ रहे हैं हमारे बिहार में, तो क्या हाल होगा बिहार का। आप सभी जो दोस्तों बिहार से हैं या नेपाल से हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
चलिए दोस्तों मिलता है आपसे बहुत जल्द हमारे एक और नए वीडियो पे। बहुत जल्द से जो हमें फाटक को पार करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा इंडिया की साइड, क्योंकि अब जो है लग रहा है फिर से जो है बारिश बरसने वाला है बहुत जोर से, क्योंकि मौसम जो है फिर से थोड़ा सा जो है उस हालत में हो रहा है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप सभी को जो है चाहते हैं कि इस पर जो है एक और वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट लिखेगा। तो बाय एंड टेक केयर।